हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज ज्योति तिवारी और आपने ट्यून किया है हमारे इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति तिवारी को। तो बच्चों, आपके समर वेकेशंस चल रहे हैं और आप काफ़ी बोर भी हो रहे होंगे, तो चलिए सीखते हैं कुछ नया। और हम लेकर आए हैं कुछ न्यू इंग्लिश सेंटेंसेस जिनको अपने डेली रूटीन में यूज करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को। सो लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग विद मी। तो यदि आपको बोलना है सुबह जल्दी उठो, तो इसके लिए आप बोलेंगे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो लेट्स प्रैक्टिस अनदर सेंटेंस, और ये है इधर आओ। यदि आपको किसी को बुलाना है और बोलना है इधर आओ, इसके लिए आप बोलेंगे कम हियर, आप बोलेंगे कम हियर। इसी प्रकार यदि आपको बोलना है वहाँ जाओ, तो आप बोलेंगे गो देयर, गो देयर, गो देयर। अब यदि आपको बोलना है कोई बात नहीं, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, या इट्स ओके भी आप बोल सकते हैं। अब यदि आपको बोलना है अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो इसके लिए आप बोलेंगे इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट। अब यदि किसी को आपको बोलना है नहा लो, तो इसके लिए आप बोलेंगे टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। अब जैसे किसी की फ़ोटो हमको अच्छी लगती है, तो हम जनरली लिख देते हैं, बोलते हैं नाइस पिक। तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं स्प्लेंडेड पिक, स्प्लेंडेड पिक्चर या स्प्लेंडेड पिक। इसका अर्थ होता है शानदार फोटो। तो अब आप यूज़ करेंगे स्प्लेंडेड पिक। यदि आपको बोलना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बोल सकते हैं इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अब यदि किसी काम के लिए आप बोलना चाहते हैं जल्दी करो, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं हरी अप, आप बोलेंगे हरी अप। इसी प्रकार यदि आपको बोलना है चलो चलें, तो आप बोलेंगे लेट्स गो, चलो चलें, लेट्स गो। तो बच्चों, ये थे कुछ बहुत ही ईजीएस्ट सेंटेंसेस जिनको आप अपनी डेली रूटीन की लैंग्वेज में यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इसी प्रकार के और भी वीडियोस चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी में सिखाई जाएगी आपको इंग्लिश, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।